फिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जैसे कि अप्रैल आया तो 2 अप्रैल को भारत पूरा बंद हुआ। एक आप इस ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम ये 14 अप्रैल का प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं पहले सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो आपने बताया कि 2 अप्रैल का जो प्रकरण हुआ, बहुत ही, एक तो मैं कहूँगा कि हमने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, और जो कि आक्रोश, जो असंतोष लोगों में था वो झलका। और जो आज ये 3 दिन से कार्यक्रम आया, 3रा दिन है, इसमें जो भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं वो जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 दिन से। और इस बार की जयंती में डेडिकेटेडली बोलना चाहूँगा कि महिलाओं का बहुत बड़ा उसमें सहयोग है। उन्होंने कल जो शोभा यात्रा में अपना पूरा शोभा यात्रा में वो साथ रहीं 100 मीटर का झंडा लेके, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मतलब उनका, जैसे बाबा साहब हमेशा महिलाओं को लेके बहुत चिंतित रहते थे कि उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए तभी समाज की प्रोग्रेस होगी, तो वो हमें इस बार देखने को मिला। और उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी महासचिव जो हमारी समिति की हैं शगुन बोध जी, उनको देना चाहूँगा। और युवा जुड़े हैं जिन्होंने ये भव्य कार्यक्रम को देखा है, इसकी रूपरेखा तैयार करी है, और आज का कार्यक्रम और सफल रहेगा, आप उसको भी देखिएगा। प्रवीण जी, आपने इंजीनियर हैं और आपको लगा कि यार ये हम नया हमने ये इस जिले की कार्यकारिणी को हमें नवगठित किया है, हम किस किस तरीके की आपको ये प्रोग्राम करने में परेशानियों को सामना करना पड़ा? परेशानियाँ, एक तो जो 2 तारीख को हुआ उसके बाद जो कुछ लोगों के अज्ञात में नाम है या फिर FIR में नाम है, वो समिति में कहीं ना कहीं रहे और वो कहीं ना कहीं बचते फिर रहे हैं, और थोड़ा सा कुछ लोगों में डर भी है, तो वो लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर गए। तो जो व्यवस्था थी उसके लिए कुछ स्पेसिफिक लोगों पे जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, उनका डर भी उस मतलब ठीक है, और उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आई है, हम लोगों ने मिलकर उसको भरपूर अच्छे तरीके से निभाया है, आप देख रहे होंगे। आप भी तो ये मालूम हो गया कि 2 तारीख को जो पूरा बंद था, जिनमें हमारे युवाओं को बंद किया गया, युवा जो बंद थे, लेकिन एक मजे की बात ये है कि जो लोग जेल से आ रहे हैं उन्हें साथी हाथी पर बिठा के और बैंड बाजों के साथ ला रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कोई गलत काम के लिए थोड़े ही वो कहीं जेल गए या उनको पुलिस ने उठाया, उन्होंने अपनी जो उनके राइट्स हैं उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें हम अपने जो अधिकार छीने गए जाएं या छीने आगे भी जाएं, तो उसके लिए हम एकजुट हों, और ये एकता का प्रतीक हुआ है 2 तारीख को, और उसका सेलिब्रेशन हम पूरे आगे साल भर मनाएंगे। और बाबा साहब का ये जो 14 तारीख का कार्यक्रम होता है, सिर्फ 14 तक नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे माह का है, अप्रैल का है, और समिति के माध्यम से हम तो इसको पूरे साल भर मनाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उद्यमिता है उसको लेके बाबा साहब का जो चिंतन था उसको आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के ऊपर हम उसको आगे बढ़ाएंगे, महिला सशक्तिकरण को लेके भी हम इस पर काम करेंगे साल भर, जितना कॉन्ट्रीब्यूट हम समाज के लिए कर पाएंगे समिति की ओर से बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छी बात है।